हेलो एवरीवन, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th. टुडे वी विल स्टडी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर अ लेटर टू गॉड. दिस इज आवर थर्ड लेक्चर ऑन दिस चैप्टर रिटन बाय जीएल फंड्स. इट इज़ अ स्टोरी ऑफ लैंको, जहाँ पे लैंको का टोटल जो फसल था वो बर्बाद हो चुका था. अब उसको किसकी उम्मीद थी, किस पर एक होप था, वो हम लोग आगे पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन. बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड. बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल, मतलब सबके दिलों में, जो लोग वहाँ रहते थे उस सॉलिटरी हाउस में, उस सॉलिटरी में सता एक अकेला घर में जो कि बीच वैली के बीच में थे, उस घाटी के बीच में था, उसमें से सबके दिल में एक ही उम्मीद थी, वो कि हेल्प होगा गॉड की तरफ से, कुछ ना कुछ मदद हो जाएगा. डोंट बी सो अपसेट इबन दाउ, दिस सीम लाइक अ टोटल लॉस. रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर. डोंट बी सो अपसेट, इतना अपसेट मत हो, यहाँ तक कि ऐसा लगता हो कि पूरा चीज़ बर्बाद हो गया है, लेकिन कोई भी आदमी भूखे नहीं मरता. सबको ऊपर वाला खिलाता ज़रूर है. सो दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर. इसी वजह से वो लोग कहते हैं कि कोई भी आदमी भूखे नहीं मरता. ऑल थ्रू द नाइट लैंको थॉट ओनली ऑफ वन होप. पूरी रात लैंको एक ही उम्मीद के बारे में सोचता है, द हेल्प ऑफ गॉड. वो कौन सी उम्मीद थी कि गॉड की तरफ से, खुदा की तरफ से, ईश्वर की तरफ से मदद. हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्शियस. कह रहा है कि उसको पढ़ाया गया था, वो जानता था, उसको बताया गया था कि गॉड की आंखें जो है ना, किसी को भी कहीं भी रहे वो देखती है. गॉड की आंखें सबको देखती है, कहीं किसी को वो भूखा नहीं छोड़ता. लैंको वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. लैंको तो एक समझ लो आदमी की शक्ल में बैल था, पूरा दिन काम करता था खेतों में जानवर की तरह, लेकिन वो लिखना जानता था. द फॉलोइंग संडे एट द डे ब्रेक ही बिगैन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल. वो अगले दिन जब दिन निकला तो वो लिखना शुरू कर दिया, आने वाले संडे को वो लिखना शुरू कर दिया एक खत, जिसको वो खुद ले जाता शहर और मेल करता. इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड. वो क्या था, कुछ नहीं था, इससे कम नहीं था. वो क्या था, वो एक गॉड के तरफ भेजने के लिए एक लेटर था. गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. अरे गॉड, अगर आप मदद नहीं करेंगे तो इस साल मैं और हमारा परिवार सब के सब भूखे रह जाएंगे. आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म एंड डॉट डॉट है. कहा है कि मुझे ज़रूरत है 100 pesos की. पेसॉस एक मात्रा है, करेंसी है लैटिन अमेरिकन सेंचुरी कंट्रीज़ में, ये पैसे की मात्रा हुआ करता था. जैसे कि मान लो 100 रुपया कह दो, $100 कह लो, कुछ भी, तो एक वो अमाउंट है. तो 100 pesos कहता है कि मुझे ज़रूरत है ताकि मैं बीज बो सकूँ खेत में अगला फसल उगाने के लिए, और फिर जो साल है पूरा बाकी, जो जब तक दूसरा फसल नहीं आता है तब तक जो है ना, उस वक्त के लिए मेरा जो कि फसल बर्बाद हो गया हेल स्ट्रॉम की वजह से, तब तक मेरा परिवार उसको खाएगा. तो ये मेरे परिवार के लिए और मेरे खेत बोने के लिए मुझे 100 pesos चाहिए. ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, और उस लिफाफा पे वो लिखता है टू गॉड, यानी जो जो रिसीवर्स एड्रेस वो होता है वो टू गॉड. पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन. वो इनसाइड द लिफाफा रखा उसको, और फिर अभी भी उसको अपने तकलीफ सही वो, और गया शहर. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. Post office गया शहर जाकर के, वहाँ एक मेल वो टिकट खरीदा स्टैम्प और उसको चिपकाया, फिर मेल बॉक्स में डाला. One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. एक जो postman जो ऑफिस में भी काम करता था, letter भी बांटता था, वो देखा जब इसको तो बहुत ज़्यादा दिल से हंसने लगा वो बहुत ज़्यादा. और वो ले जा करके जब वो लेटर टू गॉड देखा तो नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस. अपने पूरे
पोस्टमैन के कैरियर में कभी भी वो इस तरह का एड्रेस नहीं देखा था कि लेटर टू गॉड हो। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमियबल फेलो, एक जो पोस्ट मास्टर था वहाँ का, वो बड़ा मोटा था लेकिन बड़ा प्यारा इंसान था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंस पड़ा बहुत ज़्यादा। बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन लगभग बहुत जल्द ही वो फौरन, इमिडिएटली मीन्स फौरन वो सीरियस हो गया। एंड टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, और वो रखते हुए थपथपा थोड़ा सा हल्का सा टोकते हुए उस लेटर को टेबल पर रख करके वो कमेंट करता है कि व्हाट फेथ, क्या विश्वास। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ करेस्पॉन्डेंस विद गॉड। काश मैं उम्मीद करता हूँ, मैं ऐसी आशा करता हूँ कि उतना विश्वास मेरे अंदर आया था गॉड के लिए जितना उस आदमी के पास विश्वास है जिसने ये खत लिखा है। सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो ये उस राइटर का यानी मेलेंको का विश्वास जो है ना हिले ना टूटे, इसीलिए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया आंसर द लेटर। वो पोस्टमास्टर इस एक आइडिया पर पहुंचा, एक नतीजे पर पहुंचा कि इस खत का जवाब दिया जाए। क्या जवाब दिया जाए? बट वेन ही ओपेंड इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। लेकिन जब उस पत्र को खोला तो उसको लग गया, समझ में आ गया उसका कंटेंट देख करके कि यहाँ सिर्फ गुडविल से काम नहीं चलेगा, उससे ज्यादा कुछ जरूरत थी। वो क्या थी? 100 पैसों की इंक एंड पेपर से हटके कुछ और की जरूरत थी, यानी पैसे की भी जरूरत थी। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो अपने उस फैसले पे जमा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। उसके बाद वो अपने एम्प्लॉयज को बुलाया, उससे पैसे लिया, अपना भी सैलरी में से कुछ दिया, बहुत सारे फ्रेंड्स से भी लिया जो थोड़ा सा चैरिटी देने के लिए, फॉर एन एक्ट ऑफ ए चैरिटी, यानी जो दान देने के लिए तैयार थे उनसे भी लिया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पैसों, ये असंभव था उसके लिए अकेले 100 पैसों जमा करना। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, ही पुट द, तो वो सिर्फ आधा से कुछ ज़्यादा ही जमा कर पाया पैसा। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस्ड टू लैंको एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। वो उस लिफाफे में रख दिया एनवेलप में पैसा, जो कि जो भी उसका जमा हो पाया था, और उसके बाद उस लेटर के अंदर, उसके अंदर लेटर लिखा और उस लेटर पर सिर्फ गॉड का सिग्नेचर लिखा। सो इतना आज के लिए काफ़ी है। अगर आप लोग के पास बुक है वहाँ, तो आप बुक में दो पहले वाले लेक्चर से पहले भी ओरल क्वेश्चन था और इसमें भी ओरल क्वेश्चन है, मैं एक चैप्टर के एंड में यह सब का आंसर करूँगा, लेकिन आप खुद से भी कुछ कर सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड डे।